Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat. इन दो स्टेटमेंट्स के आने के बाद जो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस हैं अब तक के बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो रिलेशन है बिल्कुल ही लोवेस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। वेलकम टू अवर चैनल टिप ट्री पीटीई। जो स्टेटमेंट आई है वो किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कही गई है। हाँ, उनके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जी, हाँ ये वही ट्रूडो हैं। ये ट्रूडो मेरा यार। उसके बाद जो स्टेटमेंट आई कि किसी डिप्लोमेट को एक्सपेल करना है, टॉप डिप्लोमेट को, वो स्टेटमेंट उनकी जो एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जोली जी, उनके द्वारा कही गई है। फिर 20 सितंबर 2023 को जो इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स है MEA, वो एक एडवाइजरी जारी करती है इंडियन नेशनल्स और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपको कनाडा में ट्रेवल करना है तो विद अटमोस्ट कॉशन। ये क्योंकि ड्यू टू द एंटी इंडियन एजेंडा एंड ये जो सब कुछ हुआ है, ये जो जो स्टेटमेंट आई थी जस्टिन ट्रूडो की, तो उसके बाद ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। फिर 21 सितंबर यानी अगले ही दिन एक और न्यूज आती है कि इंडिया ने कैनेडियन नेशनल्स के लिए जो अपनी वीज़ा सर्विसेज हैं उनको अगले नोटिस तक क्या है बंद कर दिया है। अब जो इसका मेन रीज़न दिया गया वो सिक्योरिटी थ्रेट्स टू डिप्लोमेट्स या फिर जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं जो काम करते हैं, क्यों उनको सोशल मीडिया वगैरह पे थ्रेट्स मिल रहे हैं और इसकी वजह से जो अपना काम है वो नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे वो जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल वो है, चाहे जो कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो इंडिया ने बताया है, जो कनाडा ने बताया है, ठीक है वो है, लेकिन जो इसका इंपैक्ट है वो ट्रेड स्टॉक पे तो पड़ ही रहा है क्योंकि जो अक्टूबर में ट्रेड स्टॉक होनी थी इंडिया और कनाडा के बीच वो अभी रुक चुकी है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है हमारे जो स्टूडेंट्स रिलेटेड जो यहाँ से इंडिया से जाते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए या फिर कनाडा में पढ़ने के साथ साथ जो जिनको PR रहना है, जिसको जल्दी सेटलमेंट होना है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक हेटेड है, जो नफरत है वो फैल ही रही है, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। और जो साथ में हमारे जो पेरेंट्स हैं जिसके बच्चे बाहर जा चुके जाने वाले हैं, वो भी कंसर्न है उस चीज़ को लेकर कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। चीज़ें चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हों, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो जल्दी ही सही हो जाएं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो डिप्लोमेटिकल लेवल पर हो।